My friends, subscribe us or press the bell button for latest updates. Hello guys, welcome back to the channel Movies Entertainment World. और आज मैं जिस विषय में बात करना चाहता हूँ, एक एपिसोड होगा पार्ट पार्ट में, एक ऐसी सिनेमा पार्ट ऊपर। तो पार्ट वन में आप लोगों से बात होगा रोबोट 2.0 के बारे में। रोबोट 2.0 जो कि बहुत ही एक खास मूवी है, लेकिन देखिए इसमें मेजर बहुत सारा मिस्टेक्स है। यूट्यूब में तरह तरह का वीडियो आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पे चेयर के ऊपर था, चेयर के नीचे था, यहाँ छत के रूप में था, यहाँ पीछे लड़की था, ऐसे बहुत सारा मिस्टेक्स आएगा। इस मिस्टेक्स के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस मिस्टेक्स में मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को कोई शॉर्ट्स भी नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि कोई शॉर्ट्स अगर मैं दूं तो कॉपीराइट आ जाएगा। एक वीडियो डाला था उसमें भी कॉपीराइट आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रोबोट 2.0 में मेजर मिस्टेक्स क्या क्या हुआ। इस मूवी में जो लोग मेन भूमिका में थे, जैसे कि रजनीकांत और अक्षय कुमार, एमी जैक्सन, ये तीनों मेन रोल निभाया था। और शंकर जी के मूवी है, मूवी में VFX तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को दिख गया है कितनी अच्छा है। लेकिन देखो, अगर रोबोट 2.0 का पहला पार्ट जो N3 यानी रोबोट मूवी था, उस मूवी को आप लोग गौर से देखेंगे, उस मूवी का जो लास्ट पार्ट है, उस मूवी का जो लास्ट सीन है, लास्ट सीन में दिखाया गया है कि वशीकरण यानी कि रजनीकांत चिट्टी को डिस्पोजेबल कर रहा है, और डिस्पोजेबल करने के बाद उसे म्यूजियम में डाल दिया गया है, क्योंकि वो इंसानों के बात नहीं मान रहा था, वो अपने बलबूतों पे अपने मर्जी से चल रहा था। ये था पहला मूवी। तो पहला मूवी में ये सब कुछ आप लोगों को दिखने मिल गया, लेकिन लास्ट शॉट को गौर से अगर आप लोग देखेंगे तो लास्ट शॉट में वहां पे 2030 साल दिखाया गया है कि एक मैडम जी म्यूजियम में बहुत सारे बच्चे के साथ आया और बच्चों को वो चीटी का जो रोबोट है उसे म्यूजियम में रखा हुआ है, इसे दिखा रहा था 2030 साल में। साल का कटडाउन अच्छी तरह से देख लीजिएगा। लेकिन अभी कितना साल है, अभी है 2018 से 2019 हुआ है। 2018 में रोबोट 2.0 रिलीज हुआ था, मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो 2019 है, तो 19 ही मान लेता हूँ। देखिए 2030 में चिट्टी को म्यूजियम में बंद होते हुए दिखाया था, इंडियन इंटेलिजेंस म्यूजियम, आप लोग देख लीजिएगा। शॉर्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग शॉर्ट देख सकते हैं, लेकिन यहां पे नहीं दिखा पाऊंगा कॉपीराइट की वजह से। तो 2030 साल में जब चिट्टी म्यूजियम में था, तो 2018 या 2019 साल में चिट्टी कैसे वापस आया, यही बात मेरा दिल में गूंज रहा है। आप लोग भी अच्छी तरह से सोचिए, 2030 साल से 2018 में चिट्टी कैसे कमबैक किया, ये है मूवी का पहला मिस्टेक्स, यानी कि कोरिलेशन। मूवीज में जैसे कि हॉलीवुड मूवीज का बहुत सारा पार्ट होता है, हल्क, आयरन मैन, बहुत सारा ऐसे मूवी है, एवेंजर, हर एक मूवी में कोरिलेशन बनता है, पहला मूवी के साथ दूसरा मूवी का एक रिलेशन रहता है। जैसे हम लोगों को पता चलता है कि इस शॉट के बाद ये आया, या ऐसे करके ये मूवी अगला पार्ट में जा सकता है। तो इसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है, नया एक टॉपिक के ऊपर काम किया गया है, जहाँ पे अक्षय कुमार एक पक्षी राजा के रूप निभा रहा था। देखिए इस मूवी की अच्छी बात तो ये है कि इसमें एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज है मोबाइल नेटवर्क के बारे में, लेकिन मैसेज के साथ साथ मुझे जो बुरा लगा कि कोरिलेशन इसमें कुछ नहीं है। और एक बात यहाँ पे, जैसे कि अक्षय कुमार का डेथ हो जाता है, डेथ होने के बाद उसका जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें से ऐसे भूतियापा हो गया, कैसे साइंस फिक्शन मूवी में ऐसे भूतियापा कैसे हुआ है, ये भी मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है। यानी कि ये मूवी नॉन साइंटिफिक है, तो पहला मूवी साइंटिफिक था, ये नॉन साइंटिफिक हो गया। और पहला जो मिस्टेक्स आप लोगों को बताया था कि 2030 का वो जो ताल गोल, वो जो तालमेल इसमें एकदम नहीं है, ये दो जो चीज है, ये दो चीज को छोड़कर मूवी का प्रेजेंटेशन VFX बहुत अच्छा रहा, और मूवी में जो मूवी का बजट है, बजट भी बहुत अच्छा रहा, मूवी को आप लोग देखा। लेकिन इस दो मिस्टेक्स को मैं कहना चाहूंगा इस मूवी के बारे में कि अगले पार्ट में, या रोबोट 2.0 का कोई नेक्स्ट पार्ट आएगा, जैसे कि छोटा एक रोबोट को दिखाया था कुट्टी, तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि थर्ड पार्ट आएगा, लेकिन कोरिलेशन बिटवीन टू मूवीज, टू पार्ट में जो कोरिलेशन
होगा वो कोरिलेशन दिखाने के लिए मैं बोलूंगा, क्योंकि देखिए एक साइंटिफिक मूवी में नॉन साइंटिफिक सीन ये कैसा रहता है, आप लोगों की अच्छा नहीं लगेगा। मूवी ऐसे रुपया डाल दिया, मूवी हो गया तो मूवी को अच्छा लगा, इसलिए रोबोट 2.0 जितना बड़ी सक्सेस इसमें होना चाहिए था वो सक्सेस नहीं आया। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट मूवी जो आएगा आप लोग भी सोचिए कि इसमें सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट को छोड़ो, 2.0 के साथ कुछ ना कुछ कोरिलेशन रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय।